hello students today's unit 13 line and angles supplementary angles what do you know about supplementary angles supplementary angles if the two angles sum is their measure is 180 degree they are supplementary angles that is means angle a and angle b are supplementary if angle a plus angle b इक्वस टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री दैट इज मीन्स ऐसे कोई भी टू एंगल्स जिनका सम करने पर वन हंड्रेड एट्टी डिग्री आता है उस पेयर को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ एंगल ए इज इक्वस टू सिक्सटी डिग्री एंड एंगल बी इक्व टू वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री देन एंगल ए प्लस एंगल बी टू सिक्सटी प्लस वन ट्वेंटी डिग्री दोनों को ऐड करेंगे व्हाट इज द आउटकम से वन हंड्रेड एट्टी डिग्री सो एंगल एंड ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ मेजर दाइंटी डिग्री दैट इज मीन्स ऐसे कोई भी टू एंगल्स जिनका सम करने पर नाइन्टी डिग्री आएगा उस पेयर को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं दस एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्व टू नाइन्टी डिग्री फॉर एग्जाम्पल इफ एंगल ए इक्वस टू थर्टी डिग्री एंड एंगल बी इक्वस टू सिक्सटी डिग्री देन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वस टू थर्टी डिग्री प्लस सिक्सटी डिग्री इक्व टू नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री आ गया सो एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स गॉट इट नाव एडजेंस्ड एंगल वॉट डू यू नो अबाउट एडजेंसड एंगल इसके नाम से ही पता है एडजेंस्ड एज कोई भी टू एंगल्स एक ही फिगर में बने उसे एडजेंस एंगल कहते हैं टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स वन आर्म कॉमन एंड द अदर आर्म लाइंग ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेंस एंगल दैट इज मीन्स ऐसे कोई भी टू एंगल्स जिनका वर्टेक्स सेम होता है और वन आर्म कॉमन होती है फॉर एग्जाम्पल इन दिस फिगर यू नो दैट इन दिस फिगर हैंगल्स एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी अब देखिए दोनों में वर्टेक्स कॉमन है वर्टेक्स मीन्स कॉमन वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर पॉइंट अगर कॉर्नर पॉइंट देखें दोनों में तो क्या है ओ यही लिखा है इन द गिविंग फिगर एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी हैव द सेम वर्टेक्स ओ दोनों का वर्टेक्स कॉमन है ओ दस एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी आर एडजस्ड एंगल गॉट इट नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स टू एडजेंड एंगल्स आर सेट टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे दैट इज़ एक सिंगल लाइन पर एक आपका ट्रांसवर्सल लाइन अटैच हो रही हो उससे आपका लीनियर पेयर बनेगा इन द फिगर देखिए लीनियर पेयर ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है एक उस पर रे स्टैंड हो रही है ओ सी यही लिखा है इन द गिवन फिगर ए ओ सी एंड सी ओ बी फॉर्मर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ए ओ सी देखिए फिगर में ए ओ सी एंड सी ओ बी एक था, उस पे ही दो एंगल फॉर्मड होते हैं इस रीजन से इसे हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं और इन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का यूज हम क्वेश्चन में करते हैं इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेंस एंगल्स सो फॉर्म इज वन हंड्रेड एट्टी डिग्री दैट इज मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है उस पर अभी आपको बताया था लीनियर पे स्ट्रेट लाइन थी उस पर एक रे स्टैंड हो रही थी यही था इस रीजन में जो दोनों एंगल्स होते हैं उन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है वन हंड्रेड एट्टी डिग्री लुक एट इन द फिगर अब देखिए फिगर में सेम वही ए सी एंड सी ओ बी दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वही लिखा हमने एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी अब फिगर में देखो ए ओ सी बी ओ सी दो एंगल्स थे स्ट्रेट लाइन थी तो इन दोनों एंगल्स का संख्या होगा वन हंड्रेड एट्टी डिग्री अब इसी का यूज हम क्वेश्चन में करते हैं अगर एक एंगल गिव है तो उसकी हेल्प से अदर एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं साइड चेंज करके अदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्मड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लीन लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इस वन हंड्रेड एट्टी डिग्री एट फिगर अब इसमें क्या था कि अभी तक आपको दो एंगल्स दिखाए गए थे यहाँ पर मोर देन टू एंगल्स भी हो सकते हैं लुक एट इन द फिगर अब देखिए फिगर में ए ओ बी ए डी डी ओ सी तीन एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं लीनियर पेयर है चाहे लीनियर पेयर पर दो एंगल फॉर्म्ड हों तीन हों चार हों कितने भी एंगल्स फॉर्मड हों उन सभी एंगल्स का एडिशन करेंगे तो ऑलवेज वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ही आएगा देखिए क्या लिखा है हमने एंगल ए ओ बी फर्स्ट एंगल ए ओ बी सेकेंड एंगल ए ओ डी थर्ड एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री अदर पॉइंट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड पॉइंट एक पॉइंट के चारों ओर के एंगल्स का सम ऑलवेज थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री होता है फॉर एक्जाम्पल देखे फिगर में नेम दे दिया हमने अब एक देखिए चारों तरफ घूम के हम आ गए तो उस एंगल्स की वैल्यू क्या होती है थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री अब यहाँ देखें तो तीन एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं बट ऊपर भी तीन एंगल्स थे वहाँ एक ही लाइन पर थे या एक पॉइंट पर बन रहे हैं और पूरा हम घूम गए तो इस रीज़न से हम बोलेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री सम एग्जाम्पल्स फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिक्सटी थ्री डिग्री सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री पढ़ा था उसमें से यह फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिक्सटी थ्री डिग्री सिक्सटी थ्री डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा तो लिखा हमने लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स कॉम्प्लीमेंट एंगल हमने एक्स माना सो वी दाइट इज एक्स प्लस सिक्सटी थ्री इक्व टू नाइन्टी डिग्री बिकॉज कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का सम नाइन्टी डिग्री होता है साइड चेंज कर दी माइनस कर दिया सपरेट करके क्या आ गया आपका ट्वेंटी सेवन डिग्री अदर एग्जाम्पल्स फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ वन हंड्रेड थ्री डिग्री लेट सप्लीमेंट एंगल बी एक्स एक्स प्लस वन हंड्रेड थ्री इक्व टू वन हंड्रेड एट्टी एक्स इक्व टू वन एट्टी माइनस वन हंड्रेड थ्री डिग्री सपरेट कर दी ट्वेंटी सेवन डिग्री गॉट इट आपको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर है उस पर पूछ सकते हो आपका ग्रुप है उसमें कुछ भी जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उसमें पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस ची होम इस लिप्स थैंक यू